नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो हूँ। आज मैं आपको बहुत ही प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी अंबाबाई टेम्पल। हिंदू धर्म के ग्रंथों व पुराणों में धन और समृद्धि की अधिशास्त्री देवी माँ लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी को माना गया है। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए देश भर में कई मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जो दुनिया में विख्यात तो है ही, साथ में रहस्यमय भी है। दरअसल ये मंदिर भारतीय कला का एक खास नमूना है, या फिर इसके पीछे कोई चमत्कार, इस बात की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वैसे कारण जो भी हो, लाखों श्रद्धालु माँ लक्ष्मी से धन और समृद्धि की मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश का सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर माना जाता है। इतिहास में दर्ज तथ्यों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में चालुक्य वंश के शासन कर्णदेव ने करवाया था। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार यहाँ की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा 7000 वर्ष पुरानी है। इसकी ये विशेषता है कि इस मंदिर की यहाँ सूर्य भगवान अपनी किरणों में स्वयं माँ लक्ष्मी का पादाभिषेक करते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में सूर्य की किरणें देवी के चरणों का वंदन करती हुई मध्य भाग से गुजरते हुए फिर देवी के मुखमंडल को रोशन करती हैं, जो कि इसकी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्णदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आगे चलकर इसमें 35 छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। इस मंदिर को लेकर ऐतिहासिक मान्यता यह भी है कि यहाँ देवी सती के तीनों नेत्र गिरे थे। मंदिर में माँ लक्ष्मी की 4 भुजाओं वाली 3 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है। यह भी मान्यता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूट कर माँ लक्ष्मी कोल्हापुर आई थी, तो तभी से ये प्रचलित हुआ। और इस मंदिर के दर्शन आप लोग भी करें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं। धन्यवाद।